नमस्कार दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में टू ओपनिंग होती है। कितनी ओपनिंग होती है? टू। और इसका जो मेन पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो सबसे पहले ओपनिंग को हम माउथ बोलते हैं और दूसरी ओपनिंग को हम एनस बोलते हैं। माउथ से लेकर एनस तक के इस पूरे पार्ट को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट होता है माउथ से, जो कि हमारा एंटीरियर ओपनिंग होता है। एंटीरियर ओपनिंग का मतलब होता है जो कि आगे के साइड। एंटीरियर मतलब आगे और पोस्टीरियर मतलब पीछे। अब हम माउथ की बात करेंगे तो माउथ जो है वो क्या लीड करता है? करता है बकल कैविटी और ओरल कैविटी। तो हम देखते हैं कि बकल कैविटी और ओरल कैविटी में क्या क्या होता है। इसके अंदर होता है नंबर ऑफ टीथ और मस्कुलर टंग। अब हम टीथ के बारे में जानेंगे। हमारे माउथ में जो टीथ होता है वो एम्बेडेड होता है एक सॉकेट के अंदर, और इस अटैचमेंट को हम ट्रिकोडोंट कहते हैं। जो एम्बेडेड होता है सॉकेट के अंदर, उस अटैचमेंट को हम थिकोडोंट कहते हैं। ह्यूमन में टू सेट ऑफ टीथ होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है नॉन परमानेंट। जो नॉन परमानेंट टीथ होता है वो चाइल्डहुड में निकलता है, जबकि जो परमानेंट टीथ होता है वो एडल्ट ह्यूमन में निकलता है। और इस टू टाइप ऑफ सेट को हम बोलते हैं डाइफिडेंसेस। अब हम बात करते हैं एडल्ट ह्यूमन के टीथ के बारे में, कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 32 टीथ होते हैं ह्यूमन में। ये चार भागों में बटे होते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर, दूसरा है कैनियन, प्रीमोलार और मोलार। इनका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, ये टू होता है, वन टू और ये थ्री। अब आप सोच रहे होंगे कि टू प्लस वन थ्री सिक्स सेवन, ये तो सिर्फ 10 ही हुए। तो इनका अरेंजमेंट जो है वो इंसीजर का 2 होता है, कैनियन का 1 होता है, प्री मोलार का 2 होता है और मोलार का 3 होता है। तो इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए, डेंटाइल फार्मूला ऑफ एडल्ट टीथ का, तो 2 1 2 3 होगा। इसको कुछ इस तरह से लिखा जाता है। हमारे सपोज़ ये टीथ हैं, तो इसका हाफ पार्ट करेंगे हम इस तरह से, तो यहाँ पे इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर और मोलार ऐसे होगा। तो 8 टीथ इधर 8 टीथ इधर 8 इधर और 8 इधर, तो क्या हुआ? 8 8 16 8 8 16 और 16 16 32। तो इस तरह से हमारे कुल 32 टीथ होते हैं एडल्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे टंग के बारे में। तो हमारी टंग कुछ इस तरह से होती हैं। आप अगर देखेंगे तो टंग के ऊपर ऐसे ऐसे करके एक खुरदुरा सा पन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैपिला कहते हैं। मेन चार तरह की होती हैं। मोस्ट ऑफ कहीं कहीं पे इन्हें टेस्ट बर्ड भी कहा जाता है, पर हर पैपिला पे टेस्ट बर्ड नहीं होता है। तो इसमें से हम पहला फॉर्म देखेंगे सरकम वैलेट।
जो कि सबसे लार्ज पेपिला होती है हमारे टंग में, जो कि यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हम सेकेंड देखेंगे फ्यूजी फॉर्म, जिसे हम टेस्ट बर्ड भी कहते हैं। तीसरी पेपिला जो है हम देखेंगे फिलीफॉर्म पेपिला, जो कि विदाउट टेस्ट बर्ड होती है, जो कि विदाउट टेस्ट बर्ड होती है। फोर्थ पेपिला हम देखेंगे ओलिकेट पेपिला, जो कि मोस्टली जो है चैम्बर स्टमक होता है। क्या होता है? फोर चैम्बर स्टमक होता है, उनके अंदर देखी जाती हैं।